9th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी को 69 साल बीत चुके हैं। क्या हमारी देश की महिलाएं अपने आप को आज़ाद महसूस करती है? उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या है, ये हम जानेंगे हमारे देश की महिलाओं से। तो आइए जानते हैं जी, आज़ादी का मतलब आपके लिए क्या है? आज़ादी का मतलब है कि हम अच्छे से आना जाना हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाए, और हम तो अपने आप को अभी भी आज़ाद नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग लेट नाइट कहीं से आ नहीं जा सकते हैं। आज भी दहेज के लिए औरतों को प्रताड़ित किया जाता है, तो वो सबसे हम लोगों को निजात मिलना चाहिए, तभी हम आज़ादी अपने आप को समझ आज़ाद जी। आपके लिए आज़ादी के बहुत सारे मायने हैं, बट हियर अगर आप सिर्फ अपने एस्पेक्ट से पूछोगे तो इट्स अ फील टू वेरी वेरी गुड इन योर सेल्फ एंड अदर थिंग्स कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे आपकी सेफ्टी कितनी है, आपकी और आपके नेबर्स की फैमिली, मतलब ऑल थिंग्स। आज़ादी का मीनिंग मतलब मुझे तो लगता है कि इस देश की आज़ादी को 70 ईयर्स हो चुके हैं, बट आज़ादी औरतों को नहीं मिली है। बच्चे हमारे जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं 5 ईयर्स 6 ईयर्स की, उनको आज तक आप कहीं अकेले भेज नहीं सकते हो, डरते हो, ड्रेसेस पहनने के लिए आपको सोचना पड़ता है, बच्चों को बोलते हो नहीं प्लीज़ ये ड्रेस मत पहनो बच्चे, बाहर पता नहीं कौन कैसे देखेगा। मुझे लगता है ये जब फ्रीडम मिल जाएगी तो हमें लगेगा आज़ादी मिल चुकी है जी। आपके लिए मेरे हिसाब से आज़ादी का मतलब है कि थोड़ा सा जो औरतों को पहले पर्दे में रहना पड़ता था, उनको बाहर निकलने का कोई हक नहीं था, तो उससे काफ़ी हद तक निजात है। आज लेडीज़ काफ़ी लेट नाइट तक जाती हैं आती हैं, तो मतलब कोई ऐसी डर की बात नहीं होती है, तो मेरे हिसाब से आज़ादी काफ़ी हद तक मिली। देखिए हमें ना ब्रिटिशों से और मुग़लों से तो आज़ादी बहुत टाइम पहले मिल गई है, पर अभी हमें देश के अंदर जो हमारे आंतरिक मुद्दे हैं उनसे हमें अभी आज़ादी चाहिए जी। आपको चाहिए आज़ादी, और आपके लिए क्या है आज़ादी? जैसे कि मेरे सारे फ्रेंड्स ने कहा कि हाँ सच है कि जब भी हम बाहर जाते हैं अपने बच्चों को लेकर जाते हैं तो हमें यही लगता है कि अगर हम अकेले गए हम अकेले कैसे जाएं, पतिदेव होना चाहिए हमारे साथ, हमारा भाई होना चाहिए, क्यों आज भी हमारे साथ ये सब होना चाहिए, हम अकेले क्यों नहीं जा सकते बाहर, हम इतना महसूस क्यों करते हैं कि अभी भी हम घिरे हुए हैं, हम अभी जकड़े हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें अभी भी उन चीज़ों से आज़ादी पानी है, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें कहना है, हमें डिस्कस करना है, और हमें करना चाहिए इन मुद्दे पर। सबसे पहले जैसे कई लोग पूछते हैं बच्चे कितने हैं आपके, मैंने कईयों से पूछे देखा है, जैसे कल की बात बताऊं मैं आपको, कल मेरे यहाँ मेड आई, मुझसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, मैंने कहा मेरे 2 बेटियां हैं। बेटा नहीं आपका? मैंने कहा नहीं। तो कह रहे क्यों नहीं, टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी भी हमारे देश में जो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है हमारे देश के लोगों की, तो वो बदलना है, इन चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जी। आप कह रहे हम तो आज भी इनसिक्योर महसूस करते हैं, और जी देश की औरतें अब आज़ाद महसूस नहीं कर रही है, तो हम जानेंगे इसके लिए कुछ बदलाव लाने चाहिए। तो बदलाव के बारे में भी पूछ लेते हैं इन महिलाओं से कि कैसे बदलाव लाएं, सरकार कैसी बदलाव लाए आपके लिए जी, कैसे बदलाव लाने की ज़रूरत है, ऐसा बदलाव सरकार जो कर सकती है मुझे लगता है वो कर रही है बहुत कई हद तक, और बदलाव हमें अपनी सोच में लानी चाहिए, हमें थोड़ी अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए कि कपड़े कैसे पहना है, किसने किसने क्या पहना है, हमें वो क्या मतलब है। आप इंसान को देखो, आपको कौन सा इंसान पसंद आता है, नहीं हम कपड़ों से जज करते हैं, अच्छा जो शॉर्ट्स पहना है अच्छा वो ऐसा है, अच्छा उसने साड़ी पहनी है क्यों, आज भी हम साड़ी और कपड़ों से क्यों लोगों को जज करते हैं। मुझे लगता है ये लोगों की सोच बदलनी चाहिए, सरकार के साथ साथ हमें अपनी भी सोच बदलनी चाहिए जी। और आपके साथ आप बताइए जी, रूढ़िवादिता ख़त्म होनी चाहिए, लोग आज भी ये दहेज वगैरह के लिए मारते हैं। ये बदलाव क्या, कौन से बदलाव लाने चाहिए? बदलाव होना चाहिए सबसे पहले तो कि आप लेडीज़ को हक मिलना चाहिए हर चीज़ में, किसी चीज़ में भी, आप जैसे बच्चा हो रहा है तो लड़का क्यों नहीं हो रहा, इस चीज़ के लिए भी आप सरकार को करना चाहिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, और जो भ्रूण हत्या हो रही है आजकल के टाइम पर वो सब चेंज करना चाहिए। मुझे लगता है कि कानून को और ज़्यादा सख्त करना चाहिए सरकार को, जो अभी हमारा बिल्कुल यहाँ ज़िले में, एक बुलंदशहर ज़िले में इतना बड़ा केस हुआ है एक, उसमें भी अब देखिएगा आप किस तरह से रिजल्ट आएगा, हालांकि उसकी फैमिली वालों ने यहाँ तक ही बोल दिया है। मुझे लगता है हर इंसान को इसी तरीके से अल्टीमेटम दे देगी, अगर 3 महीने में उसका रिजल्ट नहीं आया तो वो पूरा फैमिली विद फैमिली सुसाइड कर लेंगे, तो उनको सरकार को चाहिए कि इस तरह के मामलों में सख्त से सख्त कानून बनाए और जल्दी फैसला लाए उस चीज़ में।
मेरे हिसाब से आज़ादी लोगों की मानसिकता में होनी चाहिए। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, लोगों को ही अपने आप को ब्रॉड माइंडेड करना पड़ेगा। अगर कोई जाता है बाहर लेट नाइट लेडीज आती हैं, तो लोगों को ही कहना पड़ेगा कि नहीं, ये उनका एक काम है। एक्चुअली लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन होती हैं। तो आपका मतलब है कि सरकार के साथ साथ हम लोगों को भी एटलीस्ट बदलाव लाने चाहिए अपने पे, राइट? बिल्कुल, हमें ही बदलाव लाना पड़ेगा। हमें सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले बदलाव तो ये होना चाहिए, पैदा होते ही पिता का नाम आ गया, शादी के बाद पति का आ गया, हमारा कब आएगा? हम तो अपने पैदा होते ही पिता के सरनेम लगा ले, शादी के बाद इनका लगा ले, हो गया। हम अपने तो कुछ नहीं है ना। क्या अभी भी हमारी महिलाएं अपने आप को गुलाम महसूस करती हैं? बिल्कुल करती हैं जी, हर चीज में करती है, किस चीज में नहीं करती? बच्चे ना हो तो चार बात सुनो पति सास की, हो तो सुनो। दो लड़कियां हो गई जी, एक लड़का और होना चाहिए, और लड़कियां हो गई तो नहीं, कल को जला देंगे, मार देंगे। आज भी न्यूज़ में आ रहा है, आज तक न्यूज़ में आ रहा है, दो बेटियों के माँ को जिंदा जला दिया। क्यों किया? आ रहा है ना, वो हक मांग रही है ना बेटियाँ। तो फिर जी आप बताइए। नहीं, ऐसा है कि बदलाव तो खैर बहुत आया है, और जिस तरह से हमारे ये बच्चे हैं, इस तरह का बदलाव तो पहले नहीं था। बदलाव तो बहुत आया है, लेकिन हाँ, उसमें अभी भी हमारी लेडीज़ बहुत सी ऐसी हैं जो हम लोग बहुत पीछे हैं। उसके लिए थोड़ा सरकार को हम लोगों को साथ देना चाहिए। उसमें जैसे ये है, हम लोग कहीं ऑटो में जा रहे हैं या कोई लेडी अकेली है, तो उसमें ऑटो वाला इतना फ़ायदा उठाता है कि रात देख लेगा तो लेडीज़ हैं तो उसमें परेशानी आती है। ये चीज़ तो है, इस चीज़ को थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। लेकिन बदलाव है, ऐसा नहीं है हमारे बच्चे बहुत एडवांस हुए हैं, ऐसा नहीं है। देखते हुए भी अभी बच्चियां लड़कियां जॉब में जाने लग गई हैं, ऐसा तो नहीं है। बदलाव तो है, लेकिन बेटियां होती हैं तो। हाँ जी, आप बताइए जी। बदलाव होना चाहिए, हुआ भी है और आगे भी होना चाहिए। आप गुलाम महसूस करती हैं? हाँ, कुछ तो करते हैं जी। हाँ, कुछ तो गुलाम, थोड़ी हद तक बदलाव है, लेकिन अगर जब तक मेंटेलिटी में बदलाव नहीं आएगा, कुछ भी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। हमारी मेंटेलिटी खराब है जी। हाँ, हमारी मेंटेलिटी खराब है बिल्कुल जी। मैम आप बताइए, आप कौन से बदलाव लाने की बात करेंगे यहाँ पर? मैं और साथ ही आप गुलाम महसूस करती हैं अपने? देखिए, गुलाम तो मुझे लगता है आजकल लेडीज हैं, अभी भी हैं। वो बात अलग है कि हम लोग सोच लेते नहीं यार, हमने जॉब कर ली, ये कर ली, बट एक ना एक टाइम बाद आपको क्या होता है कि ऑफिस से भी कैब मिलती है, उसमें भी आपको अंदर रात में लेट नाइट आ रहे हो तो बीच में बिठाया जाता है लेडीज़ को, कि बीच में बैठो, मे भी यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा होता है ना, है ना? तो वो सब भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ नियम और कानून ऐसे बनने चाहिए जो बॉयज़ या जेंट्स जो भी हैं, जो भी गलत करते हैं, उनको डर लगे कि हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा यार, मुझे नहीं ऐसा करना है। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। क्या अभी भी ऐसा है कि लड़कों को अलग प्रेफरेंस मिलती है और लड़कियों को अलग प्रेफरेंस? क्या आपके घर में ऐसा है? क्या आप अपने बेटे और बेटी के साथ ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है इसलिए हम नहीं करते हैं। हमें लगता है कि दोनों को, हाँ पहले ये होता था कि भाई मदर इन लॉ भी कहती थी कि आपकी बेटी हुई है, एक बेटा हो जाता। आज भी लोग पूछते हैं कितने बच्चे हैं, बच्चे दो, बच्चे दो बेटी बोल दिया तो यार एक बेटा होता तो शायद कंप्लीट फैमिली होती, एक बेटा भी होता जो आपके काम आता बुढ़ापे में आपकी हेल्प। जबकि ऐसा नहीं होता है, बॉयज़ भी बाहर चले जाते हैं और अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, बट फिर भी मानसिकता यही है लोगों की कि बेटा ही करेगा। वो चीज़ थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए जी। मैम आप बताइए। मेरे हिसाब से पहले तो देश से ज़्यादातर क्राइम हटना चाहिए। क्राइम हट गया तो ज़्यादातर औरतें हमारी सेफ हो जाएंगी और आराम से उनका आना और जाना आसान हो जाएगा। इसलिए देश से क्राइम पहले हटना चाहिए, अपने और अपने सोच में बदलाव लाइए, अपने आप हम लोग आगे बढ़ जाएंगे जी। अपने सोच में बदलाव लाइए और अपने आप को चेंज करिए। साथ ही साथ इस महिलाओं के मंडली के साथ हमारा इतना ही। देश और दुनिया की बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार, जय हिंद। We'll be right back.